आप लोगों के सामने हाइलाइटर रहने वाली है और कितनी मस्त लुक निकल रही है इसकी। ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी ही बॉडी कन्वर्टेड है, ये मॉडिफाइड है फुली। और लाया हमने लगाया जो अपना प्लाटी का रहने वाला है, इसके अंदर काफी नियो का, मिंडा का, हुंडई जेनमन, किया जेनमन, सारी वैरायटी मिल जाएगा। 17 इंची, 18 इंची, किसी भाई को वाइपर लगवाना तो लग जाएगा 18,000 से मिल स्टार्टिंग। इसे बोलते हैं लग्जूरियस इंटीरियर, जो कि आपको टोयोटा हाइराइडर में देखने को मिल जाता है। और ये आप कोई भी कलर का कस्टमाइज जो है करवा सकते हो, सब मिल जाएगा। सिस्टम आता है अपने पास जो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा 10 से 12,000 रुपए से स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर नॉर्मल क्वालिटी जो मार्केट में चलता है 5,500-6,500 का मिल जाएगा, वो भी अवेलेबल है एंड्रॉइड, ठीक है। तो भाई आप ये चेक करो, अपनी ब्लैक ब्यूटी आ चुकी है आप लोगों के सामने, हाइलाइटर रहने वाली है और कितनी मस्त लुक निकल रही है इसकी। ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी ही बॉडी कन्वर्टेड है, ये मॉडिफाइड है फुली। आपको इस गाड़ी का एक डिटेल में रिव्यू दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो भाई बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करता हूँ। अपने चैनल का नाम रहने वाला आकाश और आज अगर आप चैनल पर नए हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप एक हाइलाइटर या फिर ग्रैंड विटारा ओनर रहने वाले हो तो आपके लिए ही ये वीडियो स्पेशली बन रही है। और जो भाई वैसे आए हैं मजे लेने वीडियो के, तो वो भी मजे लेना, एंड तक देखते हैं वीडियो को और जानते हैं इन भाई से डिटेल में कि क्या क्या इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन भाइयों ने कर दी है जिससे गाड़ी की ऐसी कुछ लुक निकल जाती है और कितना पैसा लग जाता है ऐसी काम में। तो भाई इंट्रोडक्शन लेते हैं भाई थोड़ा सा, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। गाड़ी ये तो ठीक है, हाइलाइटर रहने वाली है, लेकिन इसमें पैसा कितना लग गया पहले ये बता दो। पैसा ज्यादा नहीं लगा, विद अलॉय व्हील 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए लग चुका है, मतलब भाई ज्यादा नहीं है यार। मतलब पैसा हो तो ऐसा हो कि 1.5 लाख रुपए को ज्यादा नहीं बोल ले। अच्छा बेस्ट मॉडल है, कौन सा मॉडल है ये? जो बंदा 20 लाख का टॉप मॉडल लेगा, जो भाई अपना 12-13 लाख का गाड़ी लेगा, बिल्कुल 1.5-2 लाख रुपए जब तक मॉडिफिकेशन मिल रही है जब तक गाड़ी का लुक नहीं आएगा जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। 6 लाख रुपए बच रहा है, ठीक है, बिल्कुल बच रहा है। तो ये बेस मॉडल था पूरा? पूरा नहीं, बेस से ऊपर वाला एस मॉडल था। ये गाड़ी भाई आपको बताता हूँ सीएनजी में रहने वाली है, तो सीएनजी में देखते हैं इस गाड़ी में क्या मॉडिफिकेशन भाई लीगल रहती है और क्या क्या चीजें दिक्कत नहीं आती। गाड़ी ब्रेजा से भी मस्त गाड़ी है, हर गाड़ी से एक अच्छी गाड़ी है, हाई रेड है सीएनजी में, जबरदस्त गाड़ी है, क्या बात है। तो भाई ये बिना किसी के ना फ्रंट प्रोफाइल दिखाते हैं गाड़ी की, देख लो। सबसे पहले एक चीज आपको दिखाऊं, मॉडिफिकेशन का शौक ना कुछ ऐसा होता है कि जब तक गाड़ी का रिबन भी ना उतरे उससे पहले ही इसमें अलॉय डलवा दे, बड़े बड़े लाइटिंग का काम करवा दे, स्पीकर का काम करवा दे, वो होते हैं असली मॉडिफिकेशन के शौकीन। तो रिबन बिना उतरे फ्रंट प्रोफाइल में क्या चेंजेस है भाई इसकी? फ्रंट में जो अपना एलईडी लगा दे हमने 240 वाट की, ठीक है, 2 साल की वारंटी वाली रहने वाली है। तो भाई एलईडी में क्या वारंटी रहने वाली और रेट कितना स्टार्ट होता है? अगर अच्छी क्वालिटी का एलईडी लगाओगे तो 5,500-6,500-7,500 8,000 के रेंज में आएगा जरूर, ठीक है। एक बोलने वाली होती है 3,500-3,000 स्टार्टिंग जरूर है। अगर आपका 4,000 का बजट है तो 4,000 वाला लगा सकते हैं, 3,500 का बजट है तो 3,500 लगवा सकते हैं, ठीक है। सारा ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। ओके, फ्रंट में यही चेंज है बस? बिल्कुल फ्रंट में यही है। और लाया हमने लगाया जो अपना प्लाटी का रहने वाला है, इसके अंदर काफी नियो का, मिंडा का, हुंडई जेनमन, किया जेनमन, सारी वैरायटी मिल जाएगा। 17 इंची 18 इंची, इसके अंदर टायर 17 इंची कंपनी से आता ही है। अच्छा, तो आप 18 इंची भी लगाते हैं, हमने पिछली वीडियो में हमारे कार मीटर्स में देखना, क्रेटा 18 इंची का N-line लगा रखे, वो भी जबरदस्त लुक आ रहा है। अगर किसी भाई को N-line का चाहिए तो N-line भी मिल जाएगा, 18 इंची में कन्वर्ट होती है N-line, और 17 इंची का चाहिए तो 17 इंची कम से कम तो 20 अलाई की वैरायटी है 17 इंची में। तो भाई इसका टायर साइज भी देख सकते हो, अपोलो का टायर रहने वाला है, टायर साइज भी आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, 215/65 जो अपना रहने वाला है, 215/60/17 इंच का टायर जो है रहने वाला है, बिल्कुल। साइड प्रोफाइल में देख रहे हो कितनी बढ़िया सी स्ट्रिप लगा दी है। भैया को स्पॉट लुक चाहिए था सिल्वर का, हमने कुछ बोला नया तरकता भरकता ही करके दिखाएंगे, जब भी हाइलाइटर करेंगे तो कुछ नया ही करके दिखाएंगे। तो भाई इसमें तो आप... नया करके दिखाया आपको। हाँ, ये भाई जो है ना स्ट्रिप आपको रेंज ओवर में मिलती है, वैसे ब्लैक कलर में देखा होगा आपने, थोड़ी सी पतली रहती है उसमें, लेकिन इसमें लुक्स के हिसाब से ना काफी इनहेंस कर रही है गाड़ी को। थोड़ा सा और साइड प्रोफाइल चलते हैं तो इसमें और क्या चेंजेस है भाई? लगा हमने पियानो ब्लैक, सबसे अच्छी क्वालिटी, इसमें भी बहुत कलर की क्वालिटी आती है मार्केट में, मिलता है इतने का मिल जाएगा भैया, इतने का मिल जाएगा। जो हम क्वालिटी लगाएंगे वो बॉडी पेंट कलर होगा, जो गाड़ी का पियानो ब्लैक आता है, जो रूफ रेल होता है वो भी सेम पेंट कलर रहता है, ठीक है। तो ये फर्क होता है क्वालिटी एक नॉर्मल क्वालिटी का। उसके साथ में भाई अगर बात करते हैं तो ये जरा क्रोम के आइटम्स हैं, इनमें क्या क्या डिस्काउंट रहता है? ये काफी डिस्काउंट होता है, गैलियो कंपनी का हमने डोर वाइजर लगाया, सीएलिंग कंपनी का हमने विंडो गार्निश क्रोम लगाया है, ओरिजिनल साइड बीडिंग लगाया हमने, ठीक है, बिल्कुल साइड बीडिंग भी लगा दिया, फुटरेस भी लगाया हमने, हैवी क्वालिटी का ओरिजिनल, इस पे 2 बंदा चढ़ जाओ या 3 बंदा चढ़ जाओ कहीं नहीं जाएगा। और इसमें हाइलाइटर लिखा मिलेगा कि ये प्रूफ है बाइक के, ग्रैंड विटारा का नहीं है, सिर्फ हाइलाइटर में ही लग सकता है ये। हाइलाइटर लिखा होता सर हाइलाइटर में लगा सकते हैं, कौन और गाड़ी में स्टोलना, फॉर्च्यूनर में लगा सकते हैं, एंडीवर में लगा सकते हैं, बिल्कुल भाई इसमें ग्रैंड विटारा वाली चीजें लग जाती है। इंटीरियर बाद में दिखाना है, अरे ये देख रहे हो भाई खतरनाक इंटीरियर बना दिया। उससे पहले बाहर की जरा चीजें देखते हैं, रिफ्लेक्टर लाइट इसमें भी बहुत क्वालिटी आता है मार्केट में, 3,000-3,200 का भी मिलता है, वो आफ्टर मार्केट चाइनीज होता है। ये जो पतली वाली लाइन आती है ये ताइवान की क्वालिटी है,
ये स्मोक में है, वो लाइट में है, जो इसकी चलने की वारंटी है सब कुछ है उसमें नहीं आ पाएगा। अच्छा बिल्कुल, ये भी फर्क है मार्केट में। मैं बोला ना भैया, मैं अब ये इतने महंगा दे रहे हो, भैया मार्केट में देखो तो लोग चाइनीज भी तो लोग प्रोडक्ट लगाते दिखाते कुछ लगाते कुछ है। बिल्कुल, ये कंपटीशन के चक्कर में ना 200-300 के चक्कर में लगा देते नकली सामान, वो भी होता है। बिल्कुल, सेफ्टी गार्ड लगाया हमने इसके अंदर, ABS क्वालिटी का जो अपना रहने वाला है। तो भाई ये देख रहे हो सेफ्टी गार्ड बाइक से प्रोडक्शन के लिए है आपका। और इसमें अगर आपको यहाँ पर रियर वाइपर चाहिए चलाना, हमने वाइपर फर्स्ट टाइम इंडिया हाइराइडर के अंदर भी चालू करके दिखा दिए हैं। किसी भाई को वाइपर लगवाना तो लग जाएगा 18,000 से स्टार्टिंग। 360 कैमरा मिसिंग है भाई इसमें। 360 भैया बोला ना एस मॉडल है इसके अंदर, ये देखो एस मॉडल है। भैया ने बोला मेरे को सिस्टम यही चाहिए, स्पीकर डैम्पिंग कराए भैया ने, रिफ्लेक्टर लाइट लगाया, लेडी वाला है, फुटरेस्ट, फ्लोरिंग, सीट का, आपको इंटीरियर लेके चलता हूं धमाके के साथ। तो भाई अभी इंटीरियर खोलने वाले हैं, तो भाई अभी देख लो भाई इंटीरियर का भी नेक्स्ट लेवल लुक है पूरा यहां से आप देख रहे हो। 1, 2, 3 ये लो, ये देखो भाई, इसे बोलते हैं लग्जूरियस इंटीरियर, जो कि आपको टोयोटा हाईराइडर में देखने को मिल जाता है। और ये आप कोई भी कलर का कस्टमाइज जो है करवा सकते हो, आपकी चॉइस रहती है कलर की। बाकी इसमें डिजाइनिंग वगैरह की बात करें तो डिजाइन के पास कम से कम 1,000 से ज्यादा डिजाइन रहते हैं सीट कवर में। आपको जितने कलर मेरे पास, जितने 200 कलर है, आपको जौन सा कलर पसंद आ रहा है वो हाइराइडर में करवा सकते हो। भैया ने ब्लैक गाड़ी तो बोला महंगा चाहिए मुझके, जो फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आजकल नई वाली गाड़ी में आ रहा है वो कलर हमने इसके अंदर इंस्टॉल करके दिखाया। बिल्कुल, ये देख रहे हो भाई आप, इसमें पूरा जो है लग्जरी इंटीरियर, जिसमें आपको सीट कवर की लुक भी देख लो कितनी भाई जबरदस्त निकल कर आ जाती है इसमें। और कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है, ब्लैक के साथ फुली मैचिंग में रहता है ये। इसमें स्टीयरिंग देखोगे तो स्टीयरिंग भी आपका जो है रैप हुआ हुआ है। एक बार डिटेल में जो है भाई से जानते हैं कि कितना इसमें क्या क्या चीज लग जाती है। बिल्कुल, ये हमने सॉफ्ट लेदर करके दिए, इसमें भी क्वालिटी 5,500, 6,500, 7,500 अलग अलग क्वालिटी आती है इंटीरियर में भी। ठीक है, स्टिचिंग की क्वालिटी है। पियानो हमने हाइड्रो डिपिंग वाला करा है, नॉर्मल पेंट पेंटर से काम नहीं करवाया हमने, हाइड्रो डिपिंग करके दिए भैया को। ये भी हमने लेदर रैप किए, इसकी 10 साल की वारंटी हमारी इंटीरियर की। ओके, और भाई लाइटिंग में क्या चेंज है इसमें? लाइटिंग कुछ लगाई है? लाइट हमने लगाया जो अपना K4 मल्टी कलर रहने वाला है, जिसकी 2 साल की वारंटी आती है। तो भाई आप देख रहे हो K4ML लाइट लगी हुई है, इसमें आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है चलता हुआ। बाकी इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो डैशबोर्ड तक रैप है इसमें। हमने देखो स्टीयरिंग रैप की क्वालिटी मेरी देखो, हमारी रैप की क्वालिटी झिकझक हर जगह होता है, 1,000 वाला भी होता है, 1,500 वाला भी होता है, लेकिन हमारी जो क्वालिटी है ना वो अलग लेवल का। ये मशीन वाला हैंड आपको लो स्टिचिंग करवाओगे तो हम करके देते ना, वो अलग चीज है मतलब ये। तो भाई आप यहाँ पर अभी देखना पैटर्न, ये देख लो कैसे जिगजैग स्टिचिंग रहने वाली है। ये आपको भाई डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको जरूर मायने रखती है बिल्कुल काम कराने में कि परफेक्शन से काम हुआ या नहीं हुआ। इसके अंदर फ्लोरिंग भी हमने कोको डाइल का डाले हैं, जो अपना लाइफ टाइम वारंटी वाला रहने वाला है। ठीक है जी, बिल्कुल। और इस पे अगर फुटरेस्ट पे खड़े होकर दिखा दे भाई, तो ये देख लो अच्छा खासा वेट जो है झेल लेती है भाई ये फुटरेस्ट अपना हाईराइडर का। ऊपर की जो रूफ रेल्स है ये भी पक्की रहने वाली है। और पियानो ब्लैक में देख रहे हो आप, रूफ का कलर देखो और रूफ रेल्स का कलर देखो, बिल्कुल मैचिंग, बिल्कुल आपको मिरर फिनिश मिलेगी, ऊपर का आसमान जो है इसमें कुछ चमकता हुआ दिख जाएगा। बाकी अब बात कर लेते हैं ना भाई जरा इंटीरियर में। इंटीरियर डैशबोर्ड की स्टिचिंग हमारी क्वालिटी देखो, एक एक क्वालिटी, एक एक फिटिंग देख लो, सीट कवर की क्वालिटी आगे से लेके पीछे तक प्रॉपर 0-0 अपना रहने वाला है। क्या बात है जी, कोई नहीं बता सकता ये कॉपी काम हो रखा है। कॉपी नहीं है भाई, ये तो ओरिजिनल ही है। आप वीडियो में इतना जस्टिफाई नहीं हो रहा, अगर सामने पर अपने गाड़ी ऐसी बनाई ना, बोला संजीत भाई गाड़ी ऐसी चाहिए मुझे। अरे वाह, देख कर यार मजा आ जाएगा जब ये इंटीरियर में भाई किसी को बिठाओगे ना, घर वालों को या फैमिली को। हमने टॉप मॉडल वाला पूरा कर दिया। बिल्कुल, ये भी हमने पियानो टॉप मॉडल का चेंज कर दिया प्रॉपर। ठीक है, ये भी हमने टॉप मॉडल का पियानो कर दिया। ठीक है, वो भी हमने टॉप मॉडल का पियानो कर दिया। भाई एक बात बताओ, किसी को 360 कैमरा लगवाना होगा इस मॉडल में, तो क्या स्क्रीन चलेगा या स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी? इसी में लग जाएगा, लग जाएगा, चालू हो जाएगा, लगा सकते हो, स्क्रीन चेंज करना इसमें चेंज भी हो सकता है। अब ये क्या रहता है दिक्कत पता है क्या है, ये स्क्रीन देखो इसका फ्रेम कितना बड़ा है और स्क्रीन कितनी छोटी सी आती है। किसी को बड़ी स्क्रीन चाहिए जो पूरी फिट आ जाए, जैसे डायमंड 2K आता है आजकल, ब्रोपंक आता है, वो सब मिल जाएगा। सिस्टम आता है अपने पास जो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, 10,000-12,000 से स्टार्टिंग है। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वालिटी जो मार्केट में चलता है 5,500-6,500 का मिल जाएगा, वो भी अवेलेबल है एंड्रॉइड। ठीक है, एंड्रॉइड से बढ़िया तो यही है, लेकिन अगर आपको डायमंड 2K चाहिए या ब्रोपंक चाहिए जो रिकमेंडेड रहता है, वो आप यहाँ से लगवा सकते हो, बढ़िया चीज है वो भी। इसमें आप गियर नॉब के साथ में देख सकते हो, ये वाली चीज भी जो है पियानो ब्लैक में आ जाता है। ये पूरा छोटे छोटे पार्ट जो है ना भाई, छोटे छोटे पार्ट भी देखो भाई, ये भी पूरी इसमें आपको डुअल स्टिचिंग मिल जाती है। ये चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको बताती है कि मॉडिफिकेशन अच्छी जगह से हुई है कि नहीं। आमरेस जो है इसमें ब्लैक ही रहने दिया हमने, आमरेस देखो ऑलरेडी इसमें लेदर आता है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको चॉइस है तो करवा सकते हैं, लेकिन इसमें लॉक को इसमें दिक्कत होता है, इसमें ये कोई कोई करवाता है, कोई कोई नहीं करवाता है। ठीक है, ML लाइट की बात करते हैं, क्या वारंटी रहने वाली है? MES लाइट की 2 साल की वारंटी आती भी है, 1 साल की भी आती है, अलग अलग आती है। तो भाई ये 1.5 लाख में सारा काम है जितना दिखाया है, सब कुछ, डैम्पिंग भी है इसके अंदर। अच्छा, डैम्पिंग इंक्लूडेड। कौन से ब्रांड की करी है? ऑडियो फुल की। और स्पीकर कौन से है? स्पीकर कंपनी वाले। कंपनी वाले, किसी को हाई एंड ऑडियो चाहिए हो तो हो जाएगा वो भी? अगर आपको यही काम अगर मार्केट वाली क्वालिटी करवाने तो 80-90 हज़ार में भी करके देंगे। ठीक है, 80-90 हज़ार में, मतलब वो बेसिक क्वालिटी होगी। बिल्कुल, और उसमें वारंटी थोड़ी सी कम होगी, वारंटी कम होगी, क्वालिटी का फर्क होगा, फिनिशिंग का फर्क होगा। जो चीज पैसा लगता है ना, तो वो चीज फिनिशिंग दिखती है, क्वालिटी दिखती है,
आंखों में लगती है हाँ मैंने कोई अच्छी जगह लगवाया चाहिए। बिल्कुल जी। तो भाई एट दी एंड ये सारा काम देखने के बाद ना आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितना पैसा लग जाता है और यहाँ ये सारा काम अगर कराना हो तो कहाँ से कराएं, ये बेस्ट जगह बताता हूँ आपको जो ये भाई रिकमेंड कर रहे हैं अपने को। सारा काम कहाँ से हुआ है इसमें? ये काम हुआ है न्यूस्पेस रामा रोड कीर्ति नगर। आप हाई लिख के डालोगे मैं लोकेशन भेज दूंगा। ठीक है। लेकिन इसके अंदर कंपनी ऑटो फोल्डिंग देता है लेकिन रिमोट से ऑटो फोल्डिंग नहीं होता है। तो भाई क्या क्या सीन क्या है उसका? ये लो ना धमाके के साथ। अरे अंदर कौन बैठा है? कोई नहीं भाई। तो भाई ये कहाँ से बंद हो रहा है? ये चाबी से। ये देख रहे हो भाई इस चाबी से कनेक्शन जो है कर दिया गया है। इसके अंदर हमने ऑटो फोल्डिंग रिले लगा दिया है। जो ग्रैंड विटारा हो या हेरेडर भाई हो या ब्रेजा VX वाले भाई हो उनके लिए ये रिले बहुत सस्ता में काम कर देगा। बहुत जबरदस्त चीज है ये। बहुत ही बढ़िया। तो भाई आप लोग भी सेम काम कराने के लिए आ सकते हैं न्यूस्पेस कार एक्सेसरीज जहाँ से सारा काम हुआ है। इसका लोकेशन और नंबर वगैरह आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हाइड्रेटर मॉडिफिकेशन। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, कीप लाइक एंड कीप वॉचिंग और आज काशी को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आए जिसमें आपको हाइड्रेटर जैसी और बढ़िया बढ़िया गाड़ी आपको शोकेस करते। थैंक यू सो मच।